दोस्तों बीपीएससी की तरफ से टीचर भर्ती 2023 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां पर आपका डीवी करवाया जाएगा, किस तारीख को आपका डीवी होगा, किस विषय का किस दिन होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी यानी कई पोस्ट के लिए आवेदन किए, तो उनका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन क्या एक दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, या बहुत से छात्र कह रहे हैं कि हमारी डिग्री नहीं आई हुई तो हम क्या करें। इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले ये नोटिस देखिए जो कि 28 अगस्त को जारी की गई थी। ये नोटिस ही मेन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब जो शंकाएँ समाधान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया था इस नोटिस में कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की कक्षा 9-10 यानी माध्यमिक, 11-12 यानी उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसके लिए यहाँ पर डेट बताई गई थी कि 4 सितम्बर से लेकर के 12 सितम्बर तक, 4 से 12 सितंबर तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। कहाँ पर चलेगा, तो जिला स्तर पर कर चलेगा ये, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा ज़िला है, क्योंकि फॉर्म में आपने 2 एड्रेस भरे थे, एक परमानेंट एड्रेस एक प्रेजेंट एड्रेस, तो किस ज़िले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जानना महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपके परमानेंट एड्रेस के ज़िले में करवाया जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला होगा उसी ज़िले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट के बारे में। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना ज़िले में करवाया जाएगा, मुख्यालय में करवाया जाएगा, ठीक है। जो मुख्यालय ऑफिस है वहीं पर करवाया जाएगा आपका। तो आपको कहाँ जाना है, अपने परमानेंट एड्रेस के ज़िले में जाना है जहाँ पर जो डीवी करवाया जाएगा वहीं पर आपका होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक नोटिस कल यानी 2 सितंबर को जारी की गई है, इस नोटिस में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो कक्षा 9-10 वाले साथी हैं, कक्षा 11-12 वाले शिक्षक भर्ती वाले साथी हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में बोला गया सभी मूल प्रमाण पत्र, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको लेकर के जाना है। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा क्या क्या लेकर के जाना है। नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन 2 फोटो लेकर के जाना है, ऑनलाइन आवेदन जब आपने भरा था उसका प्रिंटआउट भी आपको लेकर के जाना है, प्रवेश पत्र भी लेकर के जाना है आपको, और जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी 2-2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी वो लेकर के जाना है। अब यहाँ पर देखिए चेकलिस्ट दी गई है, इस चेकलिस्ट को भी आपको प्रिंटआउट निकालना होगा इसका, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो इसमें आपको टिक करना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो नंबर एक पर देखो बताया गया है आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस यानी जो ID प्रूफ है आपका, ये लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा, और 2-2 सेट आपको जो है सबकी फोटोकॉपी भी करवा लेना है, और उनको फोटोकॉपी आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर कोई भी एक लगा सकते हैं, हालांकि कोई भी 2 ID अपने साथ रखिएगा, ठीक है, लेकिन लगेगी आपकी एक ही। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेंगे यानी आरक्षण संबंधित जो भी आपके प्रमाण पत्र, आप OBC से आते हैं तो OBC प्रमाण पत्र, SC से आते हैं SC का प्रमाण पत्र। आपको बता दें ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही लगेगा, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको किसी भी प्रकार से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और रिजर्वेशन जब नहीं मिलेगा तो रिजर्वेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC इसको लगाने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म डाला होगा जनरल से डाला होगा, तो ये प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, लगेगा सबका लगेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आप नियोजित शिक्षक हैं। अतः अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के
पोता पोती नाती नातनी संबंधी प्रमाण पत्र अगर हैं तो आप उसको इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। जो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए ये है। यहाँ पर जो आपके ऊपर लागू होता है वही आपको लगेगा, जो लागू आपके ऊपर नहीं होता उसको कुछ नहीं करना, उसको लिखा रहने देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे बस उसके ऊपर टिक कर देना है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इधर यहाँ पर ऐसे टिक कर देना कि कौन कौन से आप लगा रहे हैं। इसके बाद सीटेट, आप लोग जानते हैं प्राइमरी के लिए सीटेट जो है मांगा गया था, तो सीटेट आपके पास है तो सीटेट का आप जो प्रमाण पत्र है जो मार्कशीट दोनों आपको लगाना है। डिजी लॉकर में आपने देखा होगा कि दो प्रमाण पत्र निकल मतलब दो चीज़ें निकलती है, एक मार्कशीट होता है एक सर्टिफिकेट होता है, दोनों आपको लगाना है। इसके अलावा बीटेड पेपर वन जो लोग क्वालिफाई किए हैं बिहार वाले अभ्यर्थी ये वो लगाएंगे अपना, यानी जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है सीटेट या बीटेड। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट की अनिवार्यता थी, तो एस्टेट पेपर वन या एस्टेट पेपर टू जो भी आपके ऊपर लागू होता है ये भी आपको लेना है। इसके बाद दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र, दक्षता संबंधी जो भी आपके दस्तावेज अगर आपके ऊपर लागू होता है तभी आपको यहाँ पर लगाना, नहीं तो इसको छोड़ देना है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल भी लगेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी आपके दस्तावेज जो है लगेंगे, यहाँ पर बोला गया 1 to 5 के लिए, तीन चीज़ें बॉक्स हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने पीआरटी के लिए आवेदन किया है तो पीआरटी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया होगा, इसके बाद डीएलएड किया होगा, तो ग्रेजुएशन के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। कोशिश ये करना कि हो सके तो पॉसिबल तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का लगा देना अलग अलग, मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर तीन बार दिया गया है कि फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का, और बीएड डीएलएड का देखो अलग से दिया गया, तो तीन बुक 13, 14, 15 में दिए गए ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए ही है। साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो डिग्री भी लगाना, यहाँ पर देखो बोला गया है दस्तावेज में मार्कशीट आ जाएगी आपकी और प्रमाण पत्र में डिग्री आ जाएगी, आपके पास डिग्री है तो डिग्री जरूर लगा देना, नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर बन जाए तो बनवा लेना, वो भी नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्कशीट जो है लगा देना। इसके बाद बीएड या बीएड एमएड डीएड 1 to 5 वाले अभ्यर्थी यहाँ पर इसको लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये जो 13 से कॉलम है 13 से लेकर के 16 तक ये 1 to 5 वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है, जो लोग प्राइमरी के लिए आवेदन किए हैं, बाकी जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन किए उनको 13, 14, 15, 16 में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद 17, 18, 19, ठीक है, ये टीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 9-10 के लिए 17 नंबर पे बोला गया शैक्षणिक योग्यता यानी बीए या बीएससी बीकॉम जो कुछ भी आपने किया उसका मार्कशीट डिग्री आपको लगाना है यहाँ पर। 18 में भी सेम चीज़ यहीं पर है। इसके बाद 19 में बीएड या बीएएड या बीएससीएड जो भी आपने किया जो भी आपके पास प्रमाण पत्र डिग्री हो वो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर बाद 20, 21, 22, 23 ये आपका हो जाएगा पीजीटी के लिए। 20 में देखिए शैक्षणिक योग्यता 11-12 संबंधित यूजी पीजी के आपके जो भी दस्तावेज हैं डिग्री हैं वो प्रमाण पत्र वो आपको अटैच करना है। फिर 21 में प्रशैक्षणिक योग्यता है जैसे कि बीएबीएड या बीएड एमएड या बीएएड या बीएससीएड ये दस्तावेज और प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यता 11-12 में जैसे पीजी है तो पीजी की डिटेल लगाएंगे, मार्कशीट लगाएंगे और सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगेंगे। अब यहाँ पर देखो नीचे बताया गया कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आवेदन किया है तो आप एक ही दिन में दोनों डॉक्यूमेंट कराना वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें, यानी एक ही दिन करवा लें, आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर सहूलियत रहेगी, उसी ज़िले में होगा वहीं पर होगा तो आप एक ही दिन करवा सकते हैं। अब किस दिन आपका होगा डीवी तो उसमें आप लोग दे सकते हैं, जिला वाइज यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है, पहला जिला का नाम है अररिया, इसके बाद यहाँ पर विषय दिए गए हैं और यहाँ पर डेट दी गई है, तो जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हो उस ज़िले में आपको यहाँ पर देखिए जाना है और जो कार्यक्रम दिया गया विषयवार इस विषयवार कार्यक्रम के अनुसार ही यहाँ पर आपको देखिए जाना है, ठीक है। तो कंप्लीट लिस्ट है, सभी ज़िले यहाँ पर हैं, अदर स्टेट वाले पटना जिले को चुनेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है आउट ऑफ बिहार, जो बिहार वाले अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पर इनका दिया गया है आउट ऑफ बिहार वाले अदर स्टेट से कर रहे हैं। इसके बाद पटना वाले देखो यहाँ पर ये हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ बिहार वाले का ये शेड्यूल रहेगा यहाँ पर, पटना वालों का अलग है, जो बिहार के पटना ज़िले से संबंधित हैं उनका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस शेड्यूल के अनुसार ही आपको यहाँ पर डीवी करवाना है।
इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पीजीटी का दिया गया है, ये भी जिला वाइज शेड्यूल दिया गया है, विषयवार जिलावार, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जिला के अनुसार जाएंगे और जो अदर स्टेट वाले बिलोंग करते हैं उनको अदर स्टेट का यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो अपने जिले से संबंधित यहाँ पर भी आपको जाना है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, तो governmentjobcenter.com पर जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको लिंक मिलेंगे, तो जो 28 अगस्त की नोटिस है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो 3 तारीख को मतलब आज नोटिस में अभी दिखा रहा था आई हुई है शेड्यूल वाली, तो TGT का शेड्यूल यहाँ से मिलेगा, PGT का शेड्यूल यहाँ से मिलेगा और चेकलिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे governmentjobcenter.com सर्च करना, वहाँ से भी आप एडमिट कार्ड के सेक्शन में जा करके ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, क्या मूल प्रमाण पत्र जमा होंगे, तो जी नहीं, मूल प्रमाण पत्र आपके जमा नहीं होंगे, केवल मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किया जाएगा, जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे वहाँ पर उनका मूल प्रमाण पत्रों से उसी टाइम मिलान किया जाएगा और उसके बाद मूल प्रमाण पत्र आपको वापस कर दिए जाएंगे, केवल फोटोकॉपी ही जमा होगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना ये जरूरी है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय या अभी भी अपलोडिंग चल रही है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे ऑनलाइन में वही डॉक्यूमेंट केवल माने जाएंगे आपके, बाद में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे, कोई समस्या थी, तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के लिए जो पोर्टल है खुला हुआ है, कुछ करेक्शन वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं जाकर के governmentjobcenter.com में, ठीक है। तो कहाँ पर होगा DV कार्यक्रम, तो ये मैंने बता दिया, आपके जिला मुख्यालयों में करवाया जाएगा, आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। और डिग्री नहीं आए तो क्या करें, अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल निकलवा लीजिए, अगर प्रोविजनल भी नहीं आया है तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में इतना